नमस्कार, सीएमएन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कनिका। यूपी के बिजनौर की सबसे पहले बात करते हैं, जहां शहर के दारानगर गंज घाट किनारे अंतिम संस्कार करने आए लोगों के साथ गांव के कुछ शराबियों ने गाली गलौज शुरू कर दी। इसके बाद मुर्दा पक्ष के लोगों ने उन्हें समझाना चाहा तो दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इसके बाद गांव के कई लोग घाट पर पहुंच गए और लोगों को पीटने लगे। घाट में आए 5 से 6 व्यक्ति इस घटना में घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मेरा नाम सोम प्रकाश है। कहाँ से हो? खैरपुर गांव से है जी। अच्छा, क्या हुआ जी? हम यहाँ मुर्दा फूकने आए थे जी। फिर क्या हुआ? गांव के 5-7 आदमी आए, उन्होंने शराब पी रखी थी और आकर हमारे आदमी साथ में बदतमीजी करने लगे। जब बदतमीजी करने लगे, हमने थोड़ा बीच बिचाला करा उनका, तो उनमें से और आदमी आकर जो उन पर लठे कमेंट गए। और शराब बेचने के कारण शराब ले लो, हमने मना कर दिया, हम नहीं खरीदते। तो लठे कमेंट गए। पुलिस को सूचना दी, पहले तो बहुत पीट दिया हम, सिर्फ फूट गया कई आदमियों के। साथ में बदतमीजी करी इन्होंने। कहाँ का मामला है? 100 नंबर घाट पर का। यहाँ का कौन सा घाट है? जी, मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज जी, आज यहाँ क्या करना आए थे आप? हमारे जो दादा एक्सपायर हुए थे, उनके अंतिम संस्कार के लिए आए थे हम लोग। क्या हुआ फिर यहाँ? तो हम लोग अपने काम में अपने लगे हुए थे, 2-3 लोग आए यहाँ और हम लोगों के साथ बदतमीजी करने लगे। उल्टा सीधा हुआ, उनको समझाया लेकिन वो लोग नहीं माने। उन्होंने फ़ोन किया, फिर काफ़ी लोग गाँव से काफ़ी हुजूम पहुँच गया वहाँ और काफ़ी हमारे साथ बदतमीजी मारपीट वगैरह हुई। हमने फिर 100 नंबर को फ़ोन किया, 100 नंबर पहुंचने पर गाड़ी 10-15 मिनट पर पहुंच गई हमारे पास। फिर हमने दोबारा फ़ोन किया, और भी गाड़ी एक पहुंची, उन्होंने बीच बिचाला किया। गांव वालों को काफ़ी समझाया तब वो भी नहीं मान रहे हैं। फिर काफ़ी पुलिस बल आया लेकिन वो उन पर भी हावी हो रखे हैं। क्या पुलिस वालों के साथ भी बदतमीजी की? देख रहे हैं काफ़ी बदतमीजी चल रही है। पुलिस वाले अपने जो हमारे भाई लोग समझा रहे हैं उनको, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। उल्टी सीधी बोल रहे हैं, लेडीजें बोल रही हैं, वो डंडा लेकर साथ में उनके ऊपर हावी हो रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम जो अपना विवाद आगे ना बढ़े, कोई मामला खत्म हो और हमारे किसी को चोट ना आए। चुनाव के बीच मझधार में सिद्धार्थनगर जिले के अपना दल विधायक चौधरी अमर सिंह ने भाजपा के वर्तमान सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक अमर सिंह के डुमरियागंज लोकसभा के वर्तमान सांसद जगदम्बिका पाल के दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने की बात पर उनका हर स्तर पर विरोध करने की बात कही है। चौधरी अमर सिंह ने जगदम्बिका पाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद जगदम्बिका पाल ने पूरे 5 साल तक भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ब्राह्मण और बैकवर्ड समाज की उपेक्षा की है। सिर्फ उन्होंने अपने खास लोगों को ही फायदा पहुंचाने का काम किया है। ऐसे में अगर एनडीए के वो दोबारा यहां से प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो वह हर स्तर पर उनका विरोध करेंगे। हमारे वर्तमान सांसद जिसका वोट पाते हैं, समर्थन पाते हैं, जिस पार्टी का आस्था का प्रतीक है, जो पार्टी के लिए मेहनत करता है, उसकी उपेक्षा करते हैं और बाहरी अन्य पार्टी वालों को इनके लोग प्रोत्साहन दे करके उसकी मदद करते हैं और उल्टा उत्पीड़न कराते हैं पार्टी के लोगों का, वर्करों का और उसके बाद पार्टी के वोटरों का। तो ये बर्दाश्त इसलिए नहीं होगा। और हितैषी की बात आती है आपको, ब्राह्मण तो इसके पहले नाराज है लेकिन चूंकि पार्टी की वजह से लोग नहीं बोल रहे हैं, पार्टी की वजह से नहीं बोल रहे हैं, पाल की वजह से, पाल से तो देखना नहीं चाहते, पाल की सुनना नहीं चाहते ब्राह्मण समाज के लोग। और बैकवर्ड समाज का, दलित समाज का तो पूछिए ही मत। आज तक कभी तक पाल साहब ने तो कभी ब्राह्मण सम्मेलन नहीं किया, कभी बैकवर्ड सम्मेलन जनपद में नहीं किया, कभी SC ST का सम्मेलन तो नहीं किया। जब बात आती है तो कहीं उठाते भी तो नहीं। अभी आप सुने भी होंगे 150 सीटें चकबंदी में लेखपाल का निकला था, उसमें OBC का रिक्त नहीं पत्र नहीं था। हम लोगों ने आवाज उठाया, इन्होंने तो नहीं कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बैकवर्ड मिलना चाहिए। और अपने जगह एक ही अपने नात बात, ये भी नहीं कोई गैर, सभी लोगों को पूरे विधानसभाओं में तैनात कर दिए हैं। कोई नहीं चाहता कि इनको टिकट मिले, लेकिन मोदी जी के, योगी जी के साथ हम लोग तन मन धन से हैं, अपनी सरकार को बनाने के लिए पूरी तन्मयता से लगे हैं। लेकिन मैं अब की बार एकदम मन बना चुका हूं अपने जिले की ओर से, जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए, इनकी सोच के मुताबिक मैं चाहता हूं कि जिस तरह से जगदम्बिका पाल जनपद में लूट खसोट इनके लोग मचा रखे हैं, बाहरी लोग, ठेका सड़क का आप दावे से पता कर लीजिए, लिस्ट निकाल लीजिए, इन्हीं के लोग कर रहे हैं। कोई नाथ है, कोई बात है, कोई बलरामपुर का, कोई गोरखपुर का, कोई मिर्जापुर का, कोई आजमगढ़ का, मैं झूठ नहीं बोलता, आप चौथे स्तंभ से, आप लोग खुद पता चल रहा है, उन्हीं के नाथ बात इष्ट मित्र कर रहे हैं। तो ये बताइए, यहाँ के कार्यकर्ता नहीं है क्या? काम नफा मुनाफा सरकार की बदौलत आप लोग सरकार बनाए, डुमरियागंज की जनता लोकसभा की, और ये उपेक्षित रहे हैं। आप हमेशा बैकवर्डों का, दलितों का विरोध करें, चाहे वो देखिए, अगर मैं कोशिश हम लोग करेंगे कि जनता की भावनाओं का सम्मान हो, अपने उच्च शीर्ष के नेताओं से निवेदन करेंगे हम लोग कि यहाँ की जनता की भावनाओं का सम्मान हो, लेकिन अगर उसके बाद भी इनको यहाँ उतारा जाता है, इतना सब कमियों के बाद
इतनी शिकायतों के बाद तो चौधरी अमर सिंह तो पीछे कभी नहीं मुड़ते। मैं इनका विरोध करूंगा व्यक्तिगत, सरकार के साथ रहूंगा, मोदी जी के साथ रहूंगा, योगी जी के साथ रहूंगा, लेकिन पाल जी को जितना भी विरोध करना पड़ेगा व्यक्तिगत इनका मैं करूंगा और पार्टी के निर्देश के क्रम में गैर जनपद में प्रचार कर लूंगा, दूसरे नेता का अपना चला जाऊंगा, लेकिन किसी भी अपने लोगों से नहीं कहूंगा कि पाल कोट दीजिए, पाल का समर्थन करिए, ये डंके चोट पे करूंगा मैं। कासगंज जिले में एक महिला का शव फांसी के फंदे पर लटकता मिला। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर आत्महत्या का रूप देने का आरोप लगाया है। वही जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और अपनी आगामी जांच शुरू कर दी। एक महिला का फांसी फंदे में झूलती मिली, क्या है पूरा मामला? आज थाना कोतवाली कासगंज के नगला सैजन गाँव में एक दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी लड़की श्रीमती रेखा वाइफा बबलू की हत्या, दहेज हत्या उसके घर वालों ने कर दी है, जिसमें पति और सास को अभियुक्त बनाया है। पुलिस मौके पर पहुंच के अपनी वैधानिक कार्रवाई क्या कर रही है, अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, इस संबंध में शीघ्र वैधानिक कार्रवाई संपन्न की जाएगी। मामला हुआ क्या, कुछ पूरा मामला है? ये एक हमारी बहन, मतलब हाथरस से हूँ मैं, मेरी बहन है, तो उस बहन को दहेज को लेके काफ़ी समय से प्रॉब्लम हो रही थी। इन द मॉर्निंग हम दूसरे दिन यहाँ पे आने लगे तो उससे पहले क्या हुआ, नाइट में फ़ोन आया और बोलने लगे हमारे को 7-1 लाख रुपये चाहिए, नहीं तो इतना पैसे दोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो आपकी बहन को हम मार देंगे। हमने बोला ऐसा मत करिए, और इन द मॉर्निंग हम दूसरे दिन इधर आए तो पता चला हमारी बहन को मार दिया हम लोग ने फांसी लगा के। ये लड़का है, नाम बबलू है इनका। यूपी के कौशाम्बी में होली के त्योहार पर अपनी ससुराल में होली खेलने गए दो युवकों की हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से मौत हो गई। दोनों युवक आपस में साझू थे। घटना के बाद तीन परिवार की खुशी गम में तब्दील हो गई। राजस्थान के धौलपुर की बात करते हैं, जहां पर पत्रकार पर दबंग लोगों की ओर से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पत्रकार होली खेलने जा रहा था कि तभी अचानक रास्ते में आए दबंग लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। क्या हुआ? मैं अपने घर पे गया था, चरण सिंह, चरण सिंह की बहू शीला, हरिकेश, बालकेश, लाल किशन और अन्य मैं जानता नहीं था, 7-8 जने थे। इन लोगों ने मेरे पास लट और खड्डा, चब्बल और फरसा लेकर चला था। चरण सिंह, शीला और बालकेश, ऋषिकेश, लाल सिंह और उसके बगल में कृषि नाम का लड़का है, उसने हाथी लठिया और कुल्हाड़ी और डंडे और किसी के साथ तमंचा था, मैंने तमंचा को हत्या किया, मैं बचाने की कोशिश की, तब उन्होंने नहीं मैंने तभी लोग नहीं चली पर कुल्हाड़ी चला दिया और कुल्हाड़ी लठिया डंडे से घायल कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CMN News। सब तक के लिए नमस्कार।